हिमाचल पुलिस ने एफआईआर और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी थानों की रैंकिंग जारी की है। इसमें हिमाचल के टॉप 10 बेहतर थानों में शिमला के 14 थाने शामिल हैं। पहले नंबर पर ढली थाना है, दूसरे पर शिमला बालूगंज और तीसरे पर कोटखाई व छोटा शिमला। वहीं चौथे नंबर पर ठियोग थाना रहा है, पांचवें नंबर पर चंबा का किहार और शिमला का कुमारसेन थाना है। हिमाचल पुलिस ने एफआईआर और अन्य मानकों को आधार बनाकर प्रदेश के सभी थानों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर शिमला का ढली थाना है। पहली श्रेणी में 40 से ज्यादा एफआईआर, दूसरी में 20 से 40 के बीच और तीसरी में 20 से कम एफआईआर वाले थाने शामिल हैं। खास बात यह है कि पहली और दूसरी श्रेणी में टॉप 3 पर शिमला जिले के ही थाने रहे हैं। तीसरी श्रेणी में सिर्फ चंबा दूसरा स्थान हासिल कर सका, जबकि पहला और तीसरा स्थान शिमला जिले के थानों के नाम रहा। एएसपी शिमला अभिषेक यादव ने कहा कि प्रदेश के थानों की रनिंग जारी की गई है, जिसमें हिमाचल के टॉप 10 बेहतर थानों में शिमला के 14 थाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये रैंकिंग शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर अपलोड की जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें 1 से 24 के फॉर्म होते हैं और इन फॉर्म्स की एंट्री के आधार पर रैंकिंग होती है। उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग में शिमला जिला ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये जिला पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जिला की अच्छी रैंकिंग होगी। अभी फोर्थ क्वार्टर का सीसीटीएनएस का इवैल्यूएशन हुआ है, उसमें जिला शिमला को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है जो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है, और जो थानों की रैंकिंग है उसमें ढली थाना पहले नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे शिमला का ही बालूगंज थाना है, तीसरे नंबर पर कोटखई है। ऐसे शुरुआत के जो 17 थाने हैं उनमें से 14 थाने शिमला की जो टॉप रैंकिंग में है। और सीसीटीएनएस हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम थाने में हम जो भी काम करते हैं, जिस तरह की भी कार्रवाई होती है, उनको हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं। तो इसके तहत इसमें 1 से लेकर 24 तक फॉर्म्स होते हैं, तो इन फॉर्म्स की एंट्री के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई जाती है, जो क्वार्टरली भी रैंकिंग होती है और ईयरली भी रैंकिंग होती है। तो अभी जो लास्ट क्वार्टर की, जो फोर्थ क्वार्टर की रैंकिंग आई है, उसमें जिला शिमला ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इस रैंकिंग में कई सारे पैरामीटर्स हैं, जिनमें हम कितनी चीज़ों को, जो हमारे थाने में इंफॉर्मेशन आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, वो हम कैसे उनको ऑनलाइन अपलोड करते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हम करते हैं, कौन कौन से हम फॉर्म भरते हैं, जितनी भी तरह की कोई पर्सन जो मिसिंग होता है, कोई डेथ होती है, कोई प्रॉपर्टी में मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो थाने में होती हैं उनको हम किस तरह से, कितनी तत्परता से, कितनी जल्दी हम इसमें सीसीटीएनएस पे चढ़ाते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि हम कितने लोगों को ट्रेन करते हैं और क्या कहते हैं, कितने लोगों को हमने मीटिंग्स वगैरह, कई पैरामीटर्स हैं इसके, तो उन सबके बेसिस पे ये रैंकिंग टोटल निकाली जाती है। जी अभी ये रैंकिंग आना बाकी है, ये 2019 जो ईयर गया है उसकी नेशनल लेवल पे जो रैंकिंग कंपाइलेशन होगा, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दी है तो नेशनल लेवल पे भी रैंकिंग में हमारा स्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।